दोस्तों, फिर से वही अंदाज है। पुराने अंदाज में आपको वही चलेंगे, फिर लाभ तथा हानि। ठीक है, मैं आपको बताया हूँ कई बार कि आपको हर चीज़ मैं बताऊँगा जो चंद मिनट चंद सेकंड में आपको आ जाएंगे। बस दिमाग हमारे तरफ फुल कंसंट्रेट रखें और ज़्यादा समय न लेते हुए कि अच्छा मैं वीडियो छोटी बनाता हूँ, आप बोर ना हो, बस छोटी छोटी देखेंगे आप, बहुत जल्दी जल्दी सीख लेंगे। तो चलिए चलते हैं, बस सवाल को समझिए। एकदम बहती गंगा से उठाया हुआ पानी पीना है, तो समझ लीजिए गणित आपने पढ़ा नहीं है, बस यूं ही देख लिया और पी लिया, पूरा पेट भर गया। उसी प्रकार से ये भी है, आप देखें और तुरंत आपका मन संतुष्ट हो जाएगा, यहाँ आ गया। तो चलिए चलते हैं। आदित्य ने एक गाय 8580 में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी? अरे भैया, उसने क्या किया, 4% लाभ कमाया। अब उसने यह गाय कितने में खरीदी, ये चेक करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल करना है। यहाँ पर 100 करना है और बटे क्या करना है, 104। मल्टीप्लाई कितना करना है, 8580। आपका दाम निकल कर चला आएगा। कैसे निकल कर चला आएगा, करते हैं हम इसको 2 से कैंसिल कर दिए, हमारा कितना आ गया, 52 आ गया। इसको भी 2 से कैंसिल करके देखिए कितना आ गया, 2 चौके 8, 2 दुना के 4, 2 नवा 18, यहाँ पर 0। फिर इसको 2 से हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ पर कितने बचे, 2 दुना के 4, 2 छक्के 12। इसको भी अगर हम 2 से कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 2 दुना के 4, 2 एक कम 2, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। ठीक, अगर हम इसको फिर 2 से कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास 13 बचा, और इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं हमारे पास 50 बचा। ठीक, अगर हम 13 को क्या 21 45 में कैंसिल करेंगे, भाग करके देख लेते हैं। ठीक है, तो भाग करिए, 13 का 13 आप करेंगे कि नहीं, जी हाँ करेंगे। अब 11 में से 3 गए, कितने आएंगे आपके, 8 आएंगे, ये तो कट गए, यहाँ पर 8 5 8 4 5 आ गया। अब कितनी बार कर सकते हैं, 33 39 53 52 53 65 63 78 कर सकते हैं हम सब, 63 78 93 91 हो जाएगा भाई, तो 63 78 कर दिए हम। यहाँ पर 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 6, ये कट जाएगा। अब क्या, 33 39 53 52 53 65 कट गए आपके, तो बहुत आसानी से आपका 165 आ गया और 13 1 का 13 स्वाहा। उसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे, 50 का मल्टीप्लाई 165 में कर देंगे, तो 0 0 0, 5 5 25 के 5, 2 5 6 30, 2 32, 3 5 1 का 5 3 8, 0 5 8 आपके आंसर आ गए, बहुत आसानी से आंसर आ गए। ठीक है, तो उसने यह गाय कितने में खरीदी, 8250 50 रुपये में यह गाय खरीदी। ठीक है, अब सेकेंड सवाल की तरफ हम चलते हैं। एक कुर्सी को 870 में बेचने पर विक्रेता को 10% हानि होती है, विक्रेता को क्या हुई, 10% की हानि हुई। चलिए देखते हैं, तो पूछ क्या रखा है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, हम कुछ नहीं करेंगे, फिर वही 100 में हानि घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका, अगर 10% तो 90 आ जाएगा। कितने में बेचा था भाई, 873 में कर दीजिए, बहुत सिंपल तरीके से कर देंगे तो भी आ जाएगा आपका। कैसे करेंगे ये चेक कर लीजिए, मान लीजिए हमने इसको 10 दहा में 100 कर दिया, 10 नवाई 90 काट दिया। ठीक, अब इसको कुछ नहीं, 873 को आप 9 से काट दीजिए, ठीक है, 9 नवाई 81 हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या बचेगा, 6 9 7 63 कट गए, यहाँ पर पूरे के पूरे आपके कट गए, और ये 9 1 का 9 कट गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 997 मल्टीप्लाई बाई 10 बराबर आपका 970, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आप आसानी से आसान सवाल लगा सकते हैं, जितने जितने टाइम आपका कैलकुलेशन मैक्सिमम होगा, यानी कम समय में अधिक कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, वही आपके लिए बेनिफिट होगा, बाकी सवाल तो चंद मिनट का रहेगा, आप तुरंत लगा लोगे। चलिए इसमें आप देखते हैं, एक घड़ी को 2880 में बेचने पर, यानी 2880
80 में बेचने पर 10% की हानि होती है। कितने की हानि होती है? 10% की हानि होती है। वह इसे कितने में बेचेगी? 5% का लाभ हो तो बिल्कुल सरल तरीके से आप लगा सकते हैं। जैसे देखिए, पहले हम हानि निकाल लेते हैं इसका, ठीक है, 2880। वही करिए आप, 10 × 100, 10 × 90, ठीक है। 2880 को आप क्या काम करेंगे? 9 से काट दीजिए, 9 × 3 = 27 आ जाएगा यहाँ पर, 9 × 2 = 18 आ जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, और ये 9 × 1 = 9 से पूरा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा भाई? अब तो सिंपल 10 का गुणा करना है आपको ना। यहाँ पर देखिए, 3 और 2 यानी आ गया 3, 2, और भाई 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जी हाँ, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 0, ठीक है, 320 आ गए। अब 320 गुणे अगर आप 10 करोगे तो कितने आ जाएंगे आपके आपके पास? 3200, ठीक है। 3200 आपका क्या आ रहा है? हानि होने पर। क्या रहा है 3200 आपका? हानि होने पर। आपको निकालना क्या है? लाभ निकालना है। कितना लाभ निकालना है? इसने कहा है कि वह इसे कितने में बेचें कि उसे 5% का लाभ हो। परसेंट का अगर आपको लाभ बढ़ाना हो तो सिंपल आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ जो हम 100 लिखते थे वहीं पर 105 लिखेंगे, और बटे कितना रहेगा आपका? 100 रहेगा, ठीक। मल्टीप्लाई कितने में करेंगे आप? 32, ठीक। अब आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कर लीजिए आप, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, ये तो कट गए भाई बहुत आसानी से। अब क्या काम करेंगे हम, यहाँ करके देख लेते हैं, 105 × 32 वही 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 5 × 3 = 15, 3 × 1 = 3, 0 6 3 3, ठीक है। अगर वह 3360 में बेचेगा तो उसे कितने की लाभ होगी भाई? 5% का लाभ होगा। ये सवाल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और सवाल अभी हम आपको बताते हैं तो बने रहिए, ठीक है। सो हाँ दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया था कि अगला सवाल हमारा ये है, इसमें कुछ नहीं कहा है, बस आप सवाल को कंसंट्रेट होकर देखिए और पूरी तरीके से आप लगा लेंगे चुटकियों में, ठीक है। देखिए, यदि किसी को किसी वस्तु को यहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है, बना देते हैं, किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा। देखिए पहले ये जान लीजिए सवाल, आप मैक्सिमम अगर किसी सवाल को समझना हो तो 2 बार पढ़ना जरूरी रहेगा आपको, 2 बार 3 बार। अगर आप क्या कहते हैं शुरुआती हैं, इनोवेटर्स हैं, तो आपको सबसे पहले एक बात जान लेनी है, आपको 3-4 बार सवाल पढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक, तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? इतने सरल सवाल अगर आप आज आपके पास आ जाएगा तो आप क्या काम करेंगे? धुआं कर देंगे ना यार। चलिए देखते हैं, देखिए सबसे पहले आप 10% निकालें, और परसेंट का मतलब ये जानते रहिए कि 100 10/100 होता है, ठीक है, 100 में। तो चलिए 10% लाभ तो 110 हो जाएगा 100 में, ठीक है, 10% कमा रहा है, ओके। अब माइनस हम क्या काम करेंगे भाई? 5% हानि की अपेक्षा किया है, 5% हानि में हम जानते हैं कितना कर देंगे ना, 95 कर देंगे। परसेंट तो आपको समझ में आ गया होगा, 95/100। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बताया क्या है, तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, यही करने पर विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, बात तो समाप्त हो गई। अब आप इसको रेसिप्रोकल करके चाहे यहीं पर काट दीजिए, चाहे वो किताबी मॉडल वो लंबा चले जाइए, 110 × 100 - 95 × 100, जिस तरीके से वो करते हैं तो उस तरीके से करना नहीं है आपको, ऐसे सवाल देखते मान इस तरीके से उड़ा देना है। जैसे देखिए, आप कुछ मत करिए, 110 में से 95 घटाइए, कितना आ रहा है आपका? सिंपल करिए, 15/100 आ रहा है, ये जब हमने बताया है इक्वल रहेगा तो 1 आएगा, न्यूमरेटर में ध्यान दिया डिनोमिनेटर में ध्यान दिया जाता है। अब इसके इक्वल क्या आ गया भाई? 75। अब इसका हम अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल में आप जानते हैं जो चीज़ इक्वल रहेगा वो इक्वल रह नहीं जाता, वो मल्टीप्लाई में चेंज होता है, और ये चीज़ ऊपर का नीचे, ठीक।
तो ये ऐसे कर देंगे आप, ये सिंपल हो गया, ये गुड़ा में चेंज हो जाएगा आपका, 100 ऊपर हो जाएगा, बटे में 15 मल्टीप्लाई बाई 75, क्या है? अब तो सवाल समाप्त। कैसे करेंगे, 15 25 75 मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे तो आपका 500 आ जाएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 500, यही आपका आंसर है, 500 मूल्य है इसका। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से लग रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा लंबा जानना है, अगर वो आप चाहेंगे कि स्टेप बाय स्टेप बताइए तो वो भी बता देंगे, लेकिन हमारे अनुसार ये बहुत सटीक रहेगा, आप तुरंत सवाल को कट करके रख देंगे। रेसिप्रोकल उतना करने पर आप तब भी करेंगे और जस्ट ऐसे करने पर तब भी करेंगे। तो थैंक यू, वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो नए भाई हैं वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ करवाएं भी। ठीक है, धन्यवाद।